दो साल से चली आ रही नवाखाई परंपरा में अमन और शांति लाने इस वर्ष भी दिभोग स्थानीय प्रशासन ने शांति समिति की बैठक की। उड़ीसा पुरी के भगवान जगन्नाथ को नए अन्न का भोग लगने के साथ ही दिभोग में भी पंचमी और सप्तमी तिथि पर नए धान के चूड़े का भोग लगाकर इस संस्कृति के अनुयायी पूरे परिवार एक साथ एक समय पर अन्न ग्रहण करते हैं। त्यौहार के रीत के अनुसार दूसरे दिन बासी का त्यौहार होता है, जिसमें लोग असात्विक भोजन रखते हैं। नवाखाई के त्यौहार को लेकर गांव के मेलों में नए धान के चूड़े कुटाई को लेकर सप्ताह भर से भीड़ चल रहा है। लोग इतने उत्साह है कि नवाखाई आधारित गीत गाने लगे हैं। शांति बनाने के दृष्टिगत रखते हुए और गणेश की स्थापना को लेकर विसर्जन में कोई सामाजिक सद्भावना पर कोई आहत ना हो, इसके लिए प्रतिवर्ष की भांति विभिन्न समुदाय के लोगों को मिलाकर बनाए गए शांति समिति के साथ स्थानीय प्रशासन ने शांति की अपील की है। शांति समिति की बैठक में देवभोग थाना क्षेत्र के हिंदू मुस्लिम ईसाई समुदाय के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। देवभोग अनुभागीय अधिकारी टीकाराम देवांगन, थाना प्रभारी विकास बघेल ने शांति समिति के उपस्थित सदस्यों से क्षेत्र त्यौहार शांतिपूर्वक कैसे मने इस पर विस्तार से चर्चा किया। शांति समिति के बैठक में समिति के फिरोज खान, धन सिंह मरकाम, होरीलाल साहू, दिनेश अग्रवाल सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। अच्छा, यहाँ क्या क्या करने के लिए आए हैं? कुटवाने आए हैं? नया धान का, उसको क्या करोगे? नवाखाई खाओगे। नवाखाई में पूरा परिवार एक साथ खाते हो? हमारा जितना संतान है इतना एक दिन नुआ नुआ दिसु मैं नुआ खाई दिन माँ बहन सबके चुहार बिहार मेहनता करु चो नुआ खाई दिन गा नुआ नुआ पिंदी चो। गलियाबंद से जय विलास शर्मा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।